हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन मिस्टर एजे मैथ। तो दोस्तों, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों देखिए, हम ला ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस पर मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, ला ऑफ एक्सपोनेंट पर। उस पर हम दो ला पढ़े हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट का दो ला पढ़े हैं, अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड ला। चलिए देखते हैं अपना तीसरा ला क्या है। इसको थर्ड ला या फिर थर्ड रूल कह सकते हैं। अब इसमें अब यहाँ पे देखिए, तीसरा ला ये हमारा है दोस्तों, ठीक है। तीसरा ला जैसे a पावर m, ठीक है, a पावर m अपान a पावर n, ठीक है। या फिर इसी को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, a पावर m, इसी को r लिख देते हैं, ठीक है, r। चलिए दोस्तों अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू हमारा दोस्तों होता है a पावर m माइनस n, ठीक है, a पावर m माइनस n, और इसी को हम दोस्तों या फिर ऐसे भी क्वेश्चन में रह सकता है, a पावर m डिवाइड a पावर n। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि इसका मतलब जो है, जो अपान होता है इसका मतलब डिवाइड, यानी a पावर m जो है को a पावर n से डिवाइड करना। तो या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, a पावर m डिवाइड a पावर m, इसके इक्वल होता है दोस्तों ये जो हम लिखे हैं a पावर m माइनस n, ठीक है। वेयर, यहाँ पे चलिए नीचे लिख देता हूँ, जहाँ, वेयर का मतलब जहाँ होता है दोस्तों, वेयर a कामा, ठीक है, ये मतलब दोस्तों कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो यानी ये दोस्तों जो इंटीजर रहेगा तो हमें एम और एन देखना है, केवल एम एन जो है वो होल नंबर रहेंगे, वेयर एम एन एन, ठीक है, वेयर एम एन आर, जहाँ एम एन जो है दोस्तों होल नंबर है, होल नंबर। चलिए दोस्तों ठीक है, जहाँ एम एन जो है होल नंबर है। अब इसको दोस्तों प्रूव करके दिखाता हूँ, यानी आपको इस पर कोई क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए थ्री पावर फाइव है अपान, या फिर डिवाइड लिख देता हूँ, थ्री पावर फाइव डिवाइड थ्री पावर टू। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए थ्री पावर, जब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बीच में डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी थ्री पावर फाइव माइनस टू हो जाएगा, यानी थ्री पावर थ्री के इक्वल, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये थ्री पावर थ्री के इक्वल है, नहीं तो हम इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे थ्री पावर फाइव को हम लिखेंगे थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, ठीक है, फाइव टाइम्स। अब देखिए अब डिवाइड में है थ्री पावर टू, यानी थ्री पावर टू मतलब थ्री मल्टीप्लाई थ्री। अब इक्वल टू देखना हमें थ्री पावर थ्री के इक्वल आ रहा है, देखिए डिवाइड में है और सबके बीच मल्टीप्लाई, तो दो थ्री कट जाएगा, अब तीन बार थ्री बचा, थ्री टाइम थ्री बचा, यानी थ्री पावर थ्री इक्वल टू थ्री पावर थ्री, देखिए दोनों हमारा इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमारा थर्ड ला प्रूव हो गया। अब कोई भी नंबर लेके दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर लेके देखेंगे तो ऐसे ही होता है यही, तो यही हमारा इसमें थर्ड ला है दोस्तों। सभी ला को जानते रहेंगे तो अब आगे क्वेश्चन अब जो है चुटकियों में देखते ही बता देंगे उसको। अब ला नहीं पता रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करें, इसीलिए बस दोस्तों ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। आपको सब ला क्लियर रहेगा तो सभी क्वेश्चन को एकदम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम अगला ला देखते हैं, फोर्थ ला, ठीक है। अब इधर का दोस्तों मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, मैं इधर ही साइड में लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्थ ला, ठीक है, यानी ला फोर। देखिए हमारा चौथा ला क्या है दोस्तों, अब पावर के ऊपर पावर, जैसे a पावर m है, फिर पूरा पावर होल पावर n, ठीक है, a पावर m पावर n, जब पावर के ऊपर पावर रहता है दोस्तों तो इसके ये जो है इसके इक्वल होता है a पावर m मल्टीप्लाई n, यानी पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहिए, मैं हर कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूँ, आप जो है उस पर एक एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बस आप क्या करना है दोस्तों, को आपको पढ़ते रहना है, आपको बस अंत तक वीडियो में बने रहना है। आप अंत तक बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि देखते ही देखते आप कितना कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। तो बस आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, अब देखने के बाद अपने से लिखने का ट्राई कीजिए,
नहीं जहाँ पे भी भूल रहे हैं तो एक बार दोबारा वीडियो को देखिए फिर लिखिए दोस्तों, ऐसा करने पे आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे ही नहीं। तो अब देखिए हम तुरंत अपना अगला लॉ पढ़ते हैं। अब मैं इस पर आपको एग्जाम्पल लेके टू पावर, मान लीजिए हम टू पावर टू लेते हैं, होल पावर थ्री ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम ये जो है इधर इसके इक्वल, दोस्तों मैंने आपको अभी लिखा है कि टू पावर, ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी टू मल्टीप्लाई थ्री। अब दोनों साइड का हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं। टू पावर टू को हम लिखेंगे टू मल्टीप्लाई टू, ठीक है दोस्तों। ये देखिए टू पावर टू है तो इसको लिख दिए टू पावर टू मल्टीप्लाई टू, यानी टू पावर टू है तो टू का टू टाइम्स मल्टीप्लाई। अब पावर ये थ्री बचा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब इधर देखते हैं, इधर देखते हैं दोस्तों टू पावर ए टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। अब ये देखिए फोर पावर थ्री, फोर पावर थ्री इधर दोस्तों टू पावर सिक्स। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हमें देखना है दोस्तों कि इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, फोर पावर थ्री का मतलब फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर, ठीक है। इधर टू पावर सिक्स मतलब टू का सिक्स टाइम मल्टीपल, ठीक है, मल्टीप्लाई टू का जो है सिक्स टाइम मल्टीप्लाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखिए फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर जा सिक्सटी फोर आ गया। अब इधर देखते हैं टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, टू जा थर्टी टू, टू जा सिक्सटी फोर। इधर भी देखिए हमारा सिक्सटी फोर आ गया। तो यानी दोस्तों हमारा जो लॉ है बिल्कुल सही है, देखिए आपका प्रूफ भी हो गया, ठीक है। हम कोई नंबर आपको, चलिए मैं फटाफट तुरंत एक और इसी पर, आप वीडियो पॉज करके चाहें तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है इसीलिए मैं इसको इरेज करके यहीं पे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसी पर। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, और जो दोस्तों मैं आपको रोज कहता हूँ कि अपने तीन से चार दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। अपने तीन से चार ऐसे दोस्तों को जो मैथ पढ़ते हैं उनको शेयर करिए और बताइए कि आप यहाँ से मैथ पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल मिस्टर एजे मैथ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब यहीं पर मान लीजिए मैं लेता हूँ थ्री, ठीक है, थ्री पावर, थ्री पावर अगर मैं फोर ले लेता हूँ, ठीक है, पावर टू ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नंबर पावर में नहीं ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे बहुत लंबा होगा, ठीक है। आप कोई भी पावर लेके देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी बेस की हम कोई भी पावर आप लेके चेक कर सकते हैं। थ्री पावर फोर पावर टू मैंने लिख दिया तो मैंने बताया यहाँ पे कि जो पावर का मल्टीप्लाई होता है जब एक ही बेस पर दो पावर रहती है, तो यानी हम इसको थ्री पावर लिख देंगे फोर मल्टीप्लाई टू, यानी फोर टू जाए एट हो जाएगा पावर, ठीक है। चलिए मैं पहले आपको ऐसे ही लिख देता हूँ, फिर अगले लाइन में लिख दूंगा एट। अब देखिए थ्री पावर फोर का जो है थ्री का फोर टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है, फोर टाइम्स तो थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री पावर टू, इधर देखिए थ्री पावर एट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए थ्री पावर थ्री, थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, थ्री जा एट्टी वन होता है, ठीक है दोस्तों। अब एट्टी वन पावर टू हो गया, 81 पावर 2 हो गया दोस्तों, 81 पावर 2 हो गया। इधर देखिए 3 पावर 8 है, तो 3 पावर 8 को 3 3 का मल्टीप्लाई दोस्तों 8 टाइम हमें लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 8 टाइम्स हो गया दोस्तों। अब इधर 81 पावर 2 है यानी 81 मल्टीप्लाई 81, ठीक है। अब इधर देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 9 3 जा 27, 3 जा 81, ठीक है। अब 81 3 जा 243, अब 243 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 243 मल्टीप्लाई 3, ऐसे बहुत लंबा चौड़ा दोस्तों मल्टीप्लीकेशन होगा, इसीलिए मैं पावर छोटा ही ले रहा हूँ, नहीं तो और बड़ी पावर रहेगी तो और ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन होगा। अब देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7 हो गया। अभी हमारा देखिए कितना थ्री बचा है, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, थ्री जा एट्टी वन, थ्री जा टू हंड्रेड फोर्टी थ्री, थ्री जा हो गया 729। अभी हमारा दो थ्री बचा, हम इसको चाहें तो डायरेक्ट दोस्तों थ्री थ्री जा नाइन होता है तो नाइन का इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो दो बार थ्री का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दो थ्री बचा है
तो इसमें थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा, फिर उसमें ये थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे तो हम डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई सब में है, तो हम चाहे इधर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इतना मल्टीप्लाई कर लिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ गया नाइन, तो हम डायरेक्ट नाइन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तभी बात वही है दोस्तों। अब देखिए नाइन नाइन जा 81, नाइन टू जा 18, अब 18 में 8 ऐड करना है तो हमारा दोस्तों आएगा 26, हो गया 2 कैरी। अब 9 7 जा 63, 63 और 2 कैरी 65। यहाँ पे देखिए इस साइड हमारा आ गया दोस्तों 6561। अब इधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब इधर दोस्तों 81 का 81 में मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट हम दोस्तों, 81 1 जा 81, अब 8 1 जा 8, फिर 8 8 जा 64। अब देखिए 1 8 8 16 5 6, देखिए यहाँ पे 6561, इधर पे 6561। अब देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया, ठीक है दोस्तों, हमारा दोनों साइड इक्वल आ गया, तो यानी हमारा ये ला जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको सब ला बता रहा हूँ और उससे जो है उस पर एग्जांपल भी बताता चल रहा हूँ कि आपको जो है दोस्तों किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए अब मैं आपको कुछ और देखता हूँ, क्वेश्चन है तो आपको वो भी बता देता हूँ। आप उसी तरह दोस्तों निगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, बेस निगेटिव भी ले सकते हैं तब भी वही आएगा, आप अपने से दोस्तों चेक कर सकते हैं, एकदम वही आएगा, नो डाउट। अगर आपको डाउट लगेगा वो नहीं आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों कि वही आएगा, ठीक है। मैं कहला है कि निगेटिव भी बेस रहेगा तभी वही आता है, क्योंकि आप निगेटिव बेस वाला भी पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है, जो भी नहीं पढ़े हैं जो बच्चे वो जाके पिछले वीडियो में जरूर देख लें उसको। अब दोस्तों चलिए इसमें रेशनल नंबर वाला भी एक बता देना चाहिए था, मेरे को ध्यान नहीं आया, चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो पास करके सबको लिखते जाइएगा, ठीक है, मैं इरेज करता जा रहा हूँ, अगर नहीं आप वीडियो को पास करके सब क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए रेशनल नंबर है कोई, ठीक है, रेशनल नंबर है 3/2 जो है पावर 3 है मान लीजिए, अब फिर डिवाइड है दोस्तों, अब देखिए बेस सेम है तो फिर यानी हमारा 3/2 ही रहेगा, पावर अलग रह सकता है, तो पावर हम छोटी पावर लेते हैं चलिए, नहीं तो बड़ी पावर कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब पावर मान लीजिए मैं 4 ही ले लेता हूँ, तो मैंने बताया दोस्तों कि जब बेस सेम है पावर अलग अलग है और बीच में डिवाइड है, सबको आपको ध्यान में रखते हुए कि डिवाइड है कि मल्टीप्लाई है, क्या सेम है, बेस सेम है कि पावर सेम है, सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में डिवाइड है, तो बेस सेम है तो बेस हो जाएगा, अगर बीच में डिवाइड रहता है तो पावर का सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी 3-4, हमेशा पहली वाली पावर में से ही दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 3/2 ठीक है, 3/2 आ गया। तो दोस्तों अगर हम होल नंबर की बात करेंगे, मैंने लिखवाया था वेयर एम एंड एन आर होल नंबर, जहाँ पे यानी एम एन होल नंबर है, तो होल नंबर पर बात करेंगे तो हमेशा हम पहली वाली पावर बड़ी लेंगे, क्योंकि ये तो होल नंबर नहीं है, निगेटिव आ गया, निगेटिव जो कि इंटीजर होता है, ये निगेटिव नंबर जो है होल नंबर नहीं होता है, निगेटिव नंबर इंटीजर होता है, तो अब यहाँ पर हमारा इंटीजर आ गया। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी सही है, लेकिन हम होल नंबर पर बात कर रहे हैं तो हमेशा पहली पावर बड़ी ले लेते हैं, तो 5-4, तो अब यहाँ पे देखिए पावर वो प्लस 1 आ जाएगा, 5-4, 1, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसी तरह दोस्तों ये वाला मैं जो लिखवाया था इस पर भी मैं एक रेशनल नंबर का बता देता हूँ, ए पावर एम पावर एन वाले पर इक्वल टू मैंने लिखाया था दोस्तों ए पावर एम मल्टीप्लाई ईयर, अगर कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, 1/4 मान लीजिए, 1/4 यहाँ पर पावर दोस्तों एम और एन की जगह हम कोई होल नंबर रख देते हैं मान लीजिए 2, फिर अब एक और ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, पावर 3,
अब यहाँ पे देखिए तो अब क्या होता है, इसका रूल दोस्तों कि वन पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है जब एक ही बेस पर दो पावर होती हैं, ठीक है। यानी इसको हम कहते हैं पावर पर पावर, यानी पावर के ऊपर पावर। तो अब इसका पावर का मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, वन अपान फोर पावर टू है, यानी वन अपान फोर मल्टीप्लाई वन अपान फोर। अब देखिए पावर थ्री बचा है, अब इधर वन अपान फोर पावर यहाँ पे दोस्तों टू मल्टीप्लाई थ्री यानी सिक्स हो गया। अब वन अपान फोर और वन अपान फोर का मल्टीप्लाई वन अपान सिक्सटीन पावर थ्री, इधर वन अपान फोर पावर सिक्स यानी वन अपान फोर मल्टीप्लाई वन अपान फोर, इसको सिक्स टाइम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वन अपान फोर मल्टीप्लाई वन अपान फोर मल्टीप्लाई वन अपान फोर। अब देखिए सिक्स टाइम हो गया दोस्तों। अब इधर वन अपान सिक्सटीन पावर थ्री है तो दोस्तों जानते ही हैं वन अपान सिक्सटीन मल्टीप्लाई वन अपान सिक्सटीन मल्टीप्लाई वन अपान सिक्सटीन। बस यहाँ पे देखिए दोस्तों सेम आएगा ही, हम जानते ही हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, ठीक है। देखिए वन अपान सिक्सटी फोर मैं लिख देता हूँ, जानते हैं दोस्तों ये भी मैं बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई में चाहे जैसे हम मल्टीप्लाई करें, चाहे इन दोनों को करें बाद में इसको सबको करें, चाहे तीन का कर ले फिर तीन का करें, चाहे सबका लाइन से करते जाएं, ठीक है। तो मैं आसान के लिए पहले जो हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो सॉर्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट पहले तीन का लिख देता हूँ, फोर फोर जा सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, अब इधर भी फोर फोर जा सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर। आप चाहे तो जैसे मन करे वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिक्सटी फोर यहाँ तक आया उसमें फोर का मल्टीप्लाई लिख के करेंगे, फिर जो आएगा उसमें फोर का मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसमें फोर का मल्टीप्लाई, तभी वही आएगा, चाहे ऐसे आप कर लें। तो अब देखिए सिक्सटीन और सिक्सटीन का मल्टीप्लाई 256 होता है, अब आप वन अपान सिक्सटीन, अब सिक्सटी फोर इधर बीच में देखिए दोस्तों इक्वल, अब सिक्सटी फोर और सिक्सटी फोर का मल्टीप्लाई करके हमें देखना पड़ेगा कि कितना आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई 64, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25 हो जाएगा। अब 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 2 कैरी 38। यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 हो गया, 5 4 9, 8 2 10, 4। अब यहाँ पे देखिए हमारा कुल मिला के आ गया 1/4096। अब दोस्तों ऊपर तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, ऊपर तो सब वन है, तो वन का चाहे जितना बार मल्टीप्लाई करे वन ही रहता है। तो बस दोस्तों अब नीचे वाले का हमें करके देखना है, तो अब 256 में 16 का मल्टीप्लाई करके देखना है, 256 मल्टीप्लाई 16, देखिए 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 3 कैरी 33, 6 2 जा 18 और 3 कह रही है तो यानी 21। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 2, यहाँ पे 6 9 5 और 1 6 4। यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारा कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे बीच में 6 आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया दोनों साइड इक्वल आएगा, क्योंकि हम ला में लिखे हैं कि ए पावर एम जो है वो इक्वल होता है ए पावर एम मल्टीप्लाई एन के, इक्वल होता है। तो अब देखते हैं हमारा कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 33 हो गया, 6 2 जा 18, 21, अब 256 इधर तो सही। अब इसमें चेक कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25 हो गया, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 6 जा 36, 38, 6 9 10। ये दोस्तों गलत कहाँ पे हुआ है, अब 16 का हम देखते हैं दोस्तों, 16 का मल्टीप्लाई 16 में 256 ही होता है कि कुछ अलग होता है, इसको भी चेक कर लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 9, अब यहाँ पे 16। अब देखिए दोस्तों 6 हो गया 15 2, यही तो आ रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमारा मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, कहीं ना कहीं दोस्तों मिस्टेक जरूर हुआ है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आएगा ये कन्फर्म है, ये जो है ये हमारा ला है, ला में पढ़े हैं कि ऐसा होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, 4 4 जा 16, 256 मल्टीप्लाई 16, 1 मिनट दोस्तों हम 6 2 जा 18 पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान ही कहीं और है, टेबल ही हम गलत पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो गलत हो रहा है। देखिए दोस्तों 6 2 जा 18 होता है, और 18 में 3, फिर 18 बोल रहा हूँ दोस्तों,
सॉरी देखिए 6 2 12 होता है, ठीक है 6 2 12 होता है। तो अब देखिए 12 में 3 कैरी ऐड करना है तो 15 होगा, यहीं से हमारा मिस्टेक हो रहा था। अब देखिए 5 5 10 हो गया, ठीक है 10 हो गया, 2 1 3 1 कैरी 4। अब देखिए आ गया हमारा दोनों साइड इक्वल 1/4096 और इसका भी मल्टीप्लाई इतना ही आया है। तो देखिए हम चाहे जैसे जो हमारा ला है, चाहे जैसे भी हम उसको चेक कर रहे हैं, सब पर सही हो रहा है। तो बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए अच्छे से, एक बार में नहीं आ रहा दोबारा। देखिए दोस्तों अगर आपका नियम सही है, ठीक है आपको ला अच्छे से याद है, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप यही समझिए कि कहीं पे कुछ ना कुछ छूटा है, ठीक है कुछ मिस्टेक हो गया है। आप उसी को ढूंढिए, उसी में सुधार करिए। जो हमारा ला है वो एकदम सही है बिल्कुल, ठीक है क्योंकि जो भी ला दिया है दोस्तों हम ला पढ़े हैं। अगर उस पर दोस्तों क्वेश्चन हम एग्जांपल भी देख चुके हैं कि सही है, तो सभी एग्जांपल सही आएगा, चाहे हम जो भी एग्जांपल रख के देख सकते हैं, ठीक है। बस रूल के अनुसार, जैसे रूल में कुछ चीज़ें लिखा है कि जैसे जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, यानी 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ये कुछ रूल है, ठीक है। इस रूल को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करते जाएंगे तो एकदम आंसर सही आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है। बस दोस्तों इसी को देखना है और पढ़ते रहना है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।